अलग से ही स्टार्ट होना है. आई होप आपको समझ में तो आ ही जाएगा सब कुछ, बिकॉज आज हम लोगों का, कल हम लोगों ने सारे 10 के 10 फाइलम जो थे वो कल तक पूरे कंप्लीट कर लिए थे, नोटोकॉड वगैरह. आज हमने जो करना है दैट इज योर लास्ट 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 पार्ट. कहाँ गया एनिमल किंगडम, ये रहा कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, ये हम लोगों ने कल की क्लास में खत्म कर लिए थे. नाउ वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्लाइड. ठीक है, चलिए क्या कहानी है मैम आज की क्लास हमारी जो घूमेगी, दैट विल बी अराउंड वर्टिब्रेटा. कितने बच्चों को पता है कि वर्टिब्रेटा क्या होते हैं? वर्टिब्रेट्स कौन हुए? वर्टिब्रेटा क्या हुआ? हाँ जी किरण बताएं, आप ही से उम्मीद है. एक मैम जिनमें वर्टिब्रे हो, जिन ऑर्गेनिज्म में. हाँ, ये कोई हार्ड चीज थी? वो ऑर्गेनिज्म जिनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट हो. वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट हो, इसका मतलब ये समझ में नहीं आया कि हमारे जो नोटोकॉर्ड्स थे वो नहीं होंगे, या माइट बी वो एम्ब्रियोनिक स्टेज तक ही रह गए होंगे, है ना? तो वर्टिब्रा मतलब जिनमें वर्टिब्रल कॉलम हमारे प्रेजेंट होते हैं. तो अब अगर हम वर्टिब्रेटा को डिवाइड करें तो ये कितने उसमें दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं हमारे. एक को हम कहते हैं अग्नाथा, जिसमें क्या होते हैं जॉ नहीं प्रेजेंट होते हैं. जॉ समझते हो? दिस मसूले जिसको हिंदी में कहते हैं, राइट. और दूसरे होते हैं ग्नाथोस्टोमेटा. देखो वर्ड बहुत हार्ड है, बट यस देयर इज अनदर वर्ड जो आपको याद करने में हेल्प करेगा, करेक्ट. एंड आपको बस वही करना है. अभी क्लास में ध्यान से सुनो, बाद रात में बैठ के नोट्स बनाना, और कल क्लास में घुसने से पहले एक बार रिवाइज कर लेना. अपने आप तुमको फैमिलियर लगने लगेंगे, ऐसा लगेगा जैसे ये ग्नाथोस्टोमेटा नहीं है, मैं वंदना को बुला रही हूँ. वंदना सुनना जरा, लाइबस सुनना जरा, तो आपको लगेगा पॉपुलर पॉपुलर से नाम है हमारे ये. ग्नाथोस्टोमेटा कौन से हमारे ग्रुप ऑफ एनिमल्स हो गए जिनमें जॉस प्रेजेंट है. ठीक है मैम, एग्नाथा का जो एक क्लास है सिर्फ इकलौता है साइक्लोस्टोमेटा. ठीक है मैम, बल्कि ग्नाथोस्टोमेटा में हमारे कौन से हैं सुपर क्लासेस हैं. क्यों जी? क्योंकि इनमें आते हैं हम. ठीक है, तो क्या हो गया, ये सुपर क्लास है. उनको भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. एक पीसीज मतलब क्या हुआ कि फिशेस, मतलब क्या कि ये एक्वाटिक होंगे, मोस्ट ऑफ देम विल बी एक्वाटिक. और ये है टेट्रापॉड. टेट्रापॉड मतलब कि जिनमें लिम्स होंगे. टेट्रा मतलब चार और पॉड मींस पैर, हाथ पैर. ठीक है, तो ये हो गए टेट्रापॉड जिनमें क्या चार तरीके के लिम्स होंगे. हमारे पास भी चार होते हैं अगर आपको पता हो तो. क्या बोलते हैं हम, जैसे ये अगर बंदा है कोई, ठीक है, ये इन दोनों को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं हैंड्स. हाँ बिल्कुल सही जवाब, हैंड्स कहते हैं. बट आपको पता है ना लिम्स बोला जाता है एक वर्ड. कोई नहीं, छोटे बच्चे हैं अभी ऐसे जवाब देंगे यार, मैं ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकती. ठीक है, लिम्स होते हैं ये. ठीक है, इनको हम कहते हैं फोर लिम्स. क्या कहा जाता है बच्चा? फोर लिम्स. अरे कम से कम उसने आंसर तो दिया, तुम लोग तो बैठे हुए थे हंस रहे उल्टा. ये होते हैं हमारे फोर लिम्स, और जो दो पैर होते हैं हमारे वो होते हैं हाइंड लिम्स. अरे गौरव जी ऐसे गुस्सा नहीं होना, ये लोग पगले लोग हैं. ठीक है, ये हाइंड लिम्स हैं. चलो जी, ये मैम हमें क्लियर हो गया. फोर लिम्स मतलब हमने क्या वर्ड यूज किया, टेट्रापॉड. टेट्रापॉड मतलब अगर आप चाहें किसी को भी उठा के देख लो, चाहे आप क्या बोलते हैं चिड़िया को भी अगर देखोगे. अब क्योंकि चिड़िया को कैसे, तो चिड़िया को मैं अभी दिखाऊंगी आपको. ठीक है, क्योंकि उनके जो पंख होते हैं ना वो मॉडिफाई हो जाते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद चाहे आप कोई भी एनिमल को उठा के देख लो, सबके चार ही लिम्ब होते हैं, दो आगे वाले दो पीछे वाले, सबके काम अलग अलग है, वो हम पढ़ेंगे बाद में. चलो जी, एम्फीबिया. सबसे पहला एम्फीबिया मतलब कौन सा? हाँ जी मैम, हिंद लिम्ब किसे बोलते हैं? पैरों को बच्चे, दोनों पैरों को, हाइंड लिम्ब. ओके मैम. ठीक है, ये रहे हाइंड लिम्ब, दोनों पैर हमारे हाइंड लिम्ब, दोनों हाथ हमारे फोर लिम्ब. ठीक है, चलो जी. फिर उसके बाद दूसरी कैटेगरी है रेप्टाइल, फिर एव्स, फिर हमारे मैमल्स. एम्फीबिया में हमारे कौन से आते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स जो कि पानी में भी रह सकते हैं और टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पे भी रहते हैं. ठीक है, हाँ जी गौरव. मैम फ्रॉग एम्फीबियंस. बिल्कुल सही बच्चे, जैसे कि हमारा फ्रॉग. और फ्रॉग का तो बच्चा भी बहुत यूज करेंगे हम, देखना जम के यूज किया जाता है फ्रॉग का. फिर होते हैं रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स कौन से? जो रेंगते हैं. हाँ, जैसे हमारी छिपकली भी क्या है,
रेप्टाइल्स ही है, ठीक है। फिर हमारे एव्स, स्नेक्स, उड़ने वाले, हाँ जी स्नेक्स भी उसी में आते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैमल्स, मैमल्स को हम इसलिए कहते हैं जिनके पास मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक छोटा सा हमने रफ व्यू ले लिया, बट ये दोनों मैम आपने नहीं समझा, ये बड़े हार्डर्ड वर्ड्स हैं। तो अभी हम अंदर घुस रहे हैं क्लास में, एव्स जो फ्लाई करते हैं, बर्ड्स। एवीज जो फ्लाई करते हैं, बर्ड्स, अभी आ रहे हैं बच्चों, आ रहे हैं हम लोग। चले जी, अब आ गए हम लोग थोड़ी सी और इनकी हाइयर वाली कैटेगरी में, कि वर्टिब्रेटा अगर आप देखोगे तो ये रहे, ठीक है। बट इस पे हम लोग एक बार ना, जैसे मैंने आपको पहली स्लाइड उस फाइलम्स की छुड़वाई थी, इसीलिए मैं इसकी भी छुड़वा रही हूँ आपको, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं अपने, कितने डायग्राम है, पीसेस से, पीस जो कि आपके सिलेबस में है, ठीक है। उतना वही उतना ही पहले हमने पढ़ना है, कल की क्लास आपको पता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वी आर गोइंग टू हाई लेवल ऑफ नीट एग्जाम क्वेश्चंस, क्वेश्चंस प्लस योर स्लाइड्स आल्सो। पीसेस, पीसेस मतलब कौन सी, वो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं, मोस्टली कैसे हैं ये, एक्वाटिक। पीसेस याद हो जाएगा, पीसेस को याद करो कैसे, फिशेस, एक ही जैसा साउंड करते हैं, यस मैम, है ना, थोड़ा थोड़ा सा एक ही जैसा, वो क्या बोलते हैं उससे, कुछ बोला जाता है ना इन जो वर्ड्स एक जैसे साउंड करते हैं, कुछ तो बोलते हैं उनको पता नहीं, हाँ कि जो एक जैसे साउंड करते हैं, तो हमारे पीसेस, होमोफोन्स हाँ शायद कुछ तो ऐसे बोलते हैं, बट मुझे अभी नाम नहीं एकदम याद आ रहे हैं, स्कीमिंग। राइमिंग वाले, करेक्ट, सही बोले लड़की किरण, ठीक है, राइमिंग वाले वर्ड्स होते हैं, हाँ रिदमिक, बिल्कुल सही गौरव जी, ठीक है। तो ये पीसेस हमारे कैसे हैं, इज इक्वल टू फिशेस, तो फिशेस आपको, अब देखो मोस्टली आप ना फिशेस के कैरेक्टर्स को लेते चलना, पीसेस हमारा कवर हो जाएगा, कैसे मैम, हमने कहा कि ये एक्वाटिक है, ठीक है, मोस्टली मैराइन है, आपने देखा है कि ये सिर्फ जो जनरल फिशेज होती है ना, वही हमारे जो ये तो ना रिवर्स में या फिर जो लेक्स होते हैं या पॉन्ड्स होते हैं वहां पे मिलती है, बट जो और एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जैसे ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, और भी आपको पता है बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, वो सारे के सारे हमारे कहाँ पे मिलते हैं, मेराइन वाटर में, समुद्र में, ठीक है। तो मोस्टली ये कैसे होते हैं, मेराइन होते हैं, बहुत कम ही मतलब वो होते हैं जो कि फ्रेश वाटर में प्रेजेंट हो, एक्वेटिक का मेराइन, फ्रेश वाटर में। अब एक वर्ड लिखा है मैम, पॉइकिलोथर्म्स, पॉइकिलोथर्म्स मतलब क्या होता है, मैम जो एनिमल्स जिनके बॉडी का टेम्परेचर उसके वेदर के हिसाब से बदलता रहता है। बिल्कुल सही बोली लड़की, वार्म ब्लडेड एनिमल्स, करेक्ट, वार्म ब्लडेड एनिमल्स को हम कहते हैं पॉइकिलोथर्म्स। देखो दो वर्ड होते हैं, आई डोंट नो कितनों ने सुने हैं कितनों ने नहीं सुने हैं, पहला वर्ड तो एक यहाँ पे दिया ही हुआ है, पॉइकिलोथर्म्स, ठीक है। दूसरा वर्ड जो है हमारा हेक्किस्टोथर्म्स बोलते हैं हम, हेक्किस्टोथर्म्स, ठीक है। अब इनमें, इनको आप पता कैसे याद करोगे, इनको याद करो एच से हेक्किस्टोथर्म्स और एच से हम या फिर लिख लो ह्यूमन, ठीक है। अब हम कैसे एनिमल्स हैं, कोल्ड ब्लडेड है या वार्म ब्लडेड है, कोल्ड ब्लडेड, हम लोग कैसे हैं, कोल्ड ब्लडेड है, राइट, कोल्ड ब्लडेड, हाँ जी हम लोग मैम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, ये कोल्ड ब्लडेड नहीं होते हैं, हम वार्म ब्लडेड होते हैं, किरण एक बार चेक करोगे इसे, मेरे अकॉर्डिंग हम तो वार्म ब्लडेड होते हैं, वार्म ब्लडेड, हाँ ठीक है, मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हूँ हमेशा, वार्म ब्लडेड, हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल्स। वार्म ब्लडेड कैसे, अब हम लोग अगर वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं तो जो पॉइकिलोथर्म्स हो गए वो कैसे हो गए, वो मैम कोल्ड ब्लडेड हो गए, ठीक है, वो मैम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हो गए। और साथ ही साथ ये किसमें, इसमें कौन कौन से आते हैं, जितने भी, हाँ ह्यूमंस वार्म ब्लडेड होते हैं, ठीक है, जितने भी, मैंने पता कैसे याद किया था ऐसे, दिस इज फॉर एम फॉर मैन एंड इसका जस्ट रिफ्लेक्शन इज डब्ल्यू, तो इट इज वार्म ब्लडेड, एम फॉर मैन वार्म ब्लडेड, ठीक है, जो थोड़ा सा एक हिंट ले जाओ, बट फिर भी मैं इसके बाद कंफ्यूज हो जाती हूँ, ठीक है। चलो अब यहाँ पे पॉइकिलोथर्म्स में अभी हमने कौन सा पढ़ा, हमने पढ़ लिया बर्ड्स, ठीक है, और हमने कौन से पढ़े, फिशेस। तो अब दोनों को, अब थोड़ा सा दोनों को रिलेट करोगे, कैसे रिलेट करना है मैम, कि ह्यूमंस जो है जब ठंडी होती है तो क्या हमारा बॉडी का टेम्परेचर भी बाहर के टेम्परेचर के बराबर हो जाता है, नो मैम, 37 ही रहता है। हमारा बॉडी का टेम्परेचर मैम 37 डिग्री सेल्सियस है, वो उतना ही फिक्स रहता है, यस बट इन मैम, सब में ये चीज नहीं है, बाहर टेम्परेचर हुआ 20 डिग्री तो ये अपना टेम्परेचर भी 20 डिग्री कर लेंगे, ठीक है। बाहर मैं आपको इसको ऐसे दिखाती हूँ कि बाहर टेम्परेचर यहाँ 20 डिग्री हुआ, 10 डिग्री हुआ, या फिर हमारा हो गया 50 डिग्री, ठीक
ठीक है, बट बॉडी टेम्परेचर कैसा रहेगा वो एयर का इतना ही रहेगा। इनमें क्या कहानी चल रही है, बाहर टेम्परेचर 20 डिग्री तो ये भी 20 डिग्री, बाहर टेम्परेचर 10 डिग्री तो इनका बॉडी टेम्परेचर भी 10 डिग्री, बाहर टेम्परेचर 50 डिग्री तो इनका बॉडी टेम्परेचर भी 50 डिग्री। ठीक है, ये रहे हमारे क्या बॉडी टेम्परेचर। अब याद रहेगा आपको कि मोस्ट, देखो अब एक चीज याद रखना है कि मैम कहानी क्या होती है ना कि जो पॉइकिलोथर्म्स होते हैं वो अपना बॉडी टेम्परेचर एनवायरमेंट के टेम्परेचर के साथ चेंज करते रहते हैं। ठीक है, बल्कि हेक्सोथर्म्स का मोस्ट ऑफ द जो से कहते हैं ना एनर्जी, जो हम लोग खाना खाते हैं मोस्ट ऑफ द जो एनर्जी जाती है दैट गोज टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, दैट गोज टू मेंटेन। नेहा थोड़ा सा रुको, अभी आपको सब समझ में आएगा बच्चे, मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर ये फर्स्ट टाइम ही पढ़ा रही हूँ मैंने, इन लोग को भी अभी तक नहीं पढ़ाया है, बट थोड़ा सा ना बच्चे आपको पेशेंस लेना पड़ेगा बिकॉज ये चैप्टर थोड़ा सा टफ है। ठीक है, जैसे कल की आपकी जो क्लास है उसके बाद जब हमारी मंडे से क्लास होगी ना तब हमारा फ्रेश चैप्टर स्टार्ट होगा, बट डोंट डू दैट कि आप मंडे से ही ज्वाइन करोगे, अभी जितना समझ में आ रहा है उतना समझो, बाकियों की आप क्या करना वीडियो देखना। ठीक है, ये वाला पार्ट तो नहीं समझ में आ रहा होगा आपको, मनीष आपका भी फर्स्ट क्लास है क्या? नो मैम। ओके, हाँ वही मैं सोचू, नेहा ये तो पार्ट समझ में आ रहा होगा आएगा आपको। ठीक है, ये हमारा पॉइकिलोथर्म्स, अभी हमने क्या पढ़ा कि पॉइकिलोथर्म्स हमारे क्या है मैम, कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, ये हमारे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। अब दूसरा पॉइंट इनका क्या आ गया कि लोकोमोशन इज फैसिलिटेटेड बाय फिन्स, ये बताने की जरूरत है आपको? नहीं, आपको पहले से पता है कि ये फिन्स की हेल्प से मूव करते हैं। ठीक है, तो अली जी आपको भी आगे समझ में आएगा। अब आ गया दूसरा क्या, इनके पास जो फिन्स है ना वो भी दो टाइप के हैं, और ये भी बात आपको पता है, सिर्फ लिखना आना चाहिए आपको। आपको पता है दो टाइप के फिन्स कैसे हैं, एक होते हैं जो पेयर्ड, देख रहे हो एक इस साइड दिख रहा है आपको, एक इस साइड दिख रहा है, बल्कि एक कौन से होते हैं अनपेयर्ड, जो ये पीछे साइड में दिख रहा है आपको, करेक्ट। तो ये इनके जो फिन्स है वो कैसे हो सकते हैं, पेयर्ड एंड अनपेयर्ड भी हो सकते हैं। पेयर्ड यूजली कौन से होते हैं, लेटरल फिन्स, जो आगे साइड में जो प्रेजेंट होते हैं उनको हम लेटरल बोलते हैं। तो लेटरल फिन्स हमारे कौन से होते हैं, ये पेयर्ड होते हैं, और इनमें क्या आता है, पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स। क्या कहते हैं इन्हें, पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स कहा जाता है। दूसरे आते हैं हमारे अनपेयर्ड फिन्स, जिसको हम क्या मेडियन फिन्स कहते हैं, एकदम मिडल में प्रेजेंट होते हैं, पीछे बीचों बीच। ठीक है, और उसमें हमारे कौन से आते हैं, डॉर्सल फिन, कॉडल फिन, वेंट्रल फिन एंड हमारे एनाल फिन, इनमें से कोई भी कह सकते हो आप, डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि हमारे पास कितने टाइप्स के फिन्स हैं और डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनिज्म। अगर आपको छोटू सा नोट बनाना है तो जस्ट गो विद दैट, पहले आपने लिख दिया पेयर्ड, पेयर्ड को हम लोग क्या कहते हैं मैम, पेयर्ड वाले को मैम हम साथ में लैटरल भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैम दो टाइप के फिन्स आते हैं, एक होता है पेक्टोरल, ठीक है, और दूसरा होता है पेल्विक। इतना लिख लोगे ऐसे, मेरे अकॉर्डिंग लिख लोगे, मैं आपको देखो साथ में थोड़ा सा तरीका भी बताते जा रही हूँ कैसे आप अपने लिए शॉर्ट नोट्स एंड इजी नोट्स बना सकते हो। फिर हमारा मैम दूसरा कौन सा है, दूसरा है मैम नॉन पेयर्ड। ठीक है, नॉन पेयर्ड का दूसरा नाम क्या था मैम, मेडियन। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल मिडल में प्रेजेंट था हमारे, और इसमें कौन कौन से आते हैं मैम, इसमें बहुत साइड के तरीके के आते हैं, डॉर्सल, पता ना वेंट्रल इसको बोलते हैं, डॉर्सल हमारे पैर वाले को। ठीक है, तो फिश वाले में कैसा चलते हैं कि उनकी पूंछ को जहां पे इनका फिन्स होते हैं, सॉरी टेल होती है, उसको हम डॉर्सल पोर्शन कहते हैं। और कहां पे प्रेजेंट हो सकते हैं, ये मैम वेंट्रल साइड पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं फिन्स, और कहां प्रेजेंट हो सकते हैं, कॉडल फिन्स भी कहते हैं इन्हें हम, और मैम एनाल। इतना आप ऐसे लिख लोगे मेरे अकॉर्डिंग, अब इतने सारा के सारे आप लिख सकते हो और आपको याद भी इजिली हो जाएगा। ठीक है, ट्राई टू मेक योर नोट्स इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट, रामायण लिखने की जरूरत नहीं है, हमारे पास ऑप्शन कम होता है, बिकॉज अगर हम सारी चीजें फ्लो चार्ट में देने लगेंगे आपको तो स्लाइड्स कितनी हो जाएंगी, एक चैप्टर की स्लाइड 200 पहुंचेंगी। ठीक है, इसीलिए वी यूज टू राइट लाइक दिस। चलिए जी, अब आ जाइए कहानी दूसरी क्या है, दूसरी कहानी है कि इनका क्या है, एक्सोस्केलेटन होता है। देखा होगा आप लोगों ने, बहुत सारे लोग नॉनवेज होंगे भी, कि मछलियों में क्या उनकी बोन्स और ये सब चीजें, कार्टिलेज, ये सब चीजें प्रेजेंट होती है। किसका मिलके बना होता है वो, एक्टोमीजोडर्मल स्केल्स का। एक्टोमीजोडर्मल स्केल्स मतलब मछलियों की बॉडी में आपने देखा होगा ना ऐसे ऐसे करके क्या बोलते हैं, स्केल्स लगे होते हैं। ठीक है, तो वो
प्रेजेंट होती है। फिर कह रहे हैं रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स, कौन से, 5 से 6 पेयर्स गिल्स प्रेजेंट होते हैं इनके पास, 5 से 7 पेयर्स। फिर कह रहे हैं एक्सक्रीशन इज बाय मीजो नेफ्रॉन्स और बाय ऑपिस्टो ऑफिस्टो नेफ्रॉन्स, ठीक है, जो इनका एक्सक्रीशन है वो इनसे हो रहा है। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम कैसा है, क्लोज्ड टाइप, क्लोज मतलब ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप का मतलब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है अब, ठीक है, कि यहाँ पे कौन सा हो गया, एडवांस लेवल वाला हमारा ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है विद सिंगल सर्कुलेशन। मतलब क्या, मतलब ये मैम ह्यूमंस में अगर आपको पता हो तो क्या चलता है, डबल सर्कुलेशन। वर्ड सुना है आपने? यस मैम। ह्यूमंस में डबल सर्कुलेशन होता है। फिशेस में क्लोज टाइप तो है क्योंकि ह्यूमंस में भी क्लोज टाइप ही है, बट फिशेस में कैसा है, सिंगल सर्कुलेशन ही चलता है, दो बार नहीं आता है। फिर कह रहे हैं हर्ड इनके कैसे होते हैं, 2 chambered, हमारे कैसे होते हैं, 4 chambered। तो ऑलरेडी इंटेलिजेंट बच्चे हो, हमारे हर्ड जो होता है 4 chambered होता है। अब इनका अगर ये 2 chambered है तो इसमें ब्लड कैसा आएगा, डीऑक्सीजिनेटेड ओनली, मतलब क्या, इम्प्योर ब्लड, और वो इम्प्योर ब्लड से ही अपना काम चला लेते हैं। वंदना जी, अब इनकी क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इनका कौन सा क्लासेस है, प्लैकर्डोडर्मी, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, आर्मर्ड जॉड फिश आती हैं इसमें विथ फ्यूज्ड बोनी स्केल्स, ये उनके लिए है, जो अगर करना चाहते हैं तो देख सकते हैं, एल्स आप स्किप भी कर सकते हो, शायद आपका एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है ये, ये बस क्लासेस के नाम है। दूसरा क्लास कौन सा है, कॉन्ड्रियोकाइटिस, जिसमें सब क्लासेस कौन सी है, ये दोनों। फिर है हमारा ऑस्टियोकाइटिस, जिसका नाम कौन सा है, टीलोस्टोमी भी है। चलिए जी आगे बढ़ जाओ थोड़ा सा, अब आगे हमारी अगली क्लास एमसीबिया, ठीक है मैम, फोर्थ पॉइंट रिपीट कर लीजिए, फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, मेरा बच्चा फोर्थ पॉइंट देख लो, इनके पास 2 तरीके के फिन्स प्रेजेंट होते हैं, कौन सा, पेयर्ड और नॉन पेयर्ड। पेयर्ड वाले को हम लेटरल फिन्स भी कहते हैं, जिसमें हमारे पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स आते हैं। नॉन पेयर्ड वाले को हम मेडियन फिन्स कहते हैं, जिसमें हमारे डॉर्सल, वेंट्रल, कॉडल और एनाल फिन्स आते हैं, ठीक है। मैं खराब लोग हो तुम लोग, मैं पीडीएफ तुम लोग को नहीं भेजती हूँ। चलो एम्फीबिया, एम्फीबिया की क्या कहानी चल रही है, ऑर्गन्स आर आइदर टेरेस्ट्रियल एम्फीबियस और फ्रेश वाटर फॉर्म्स, वही बात कही, एम्फीबिया का मतलब ही यही है कि दे कैन लिव ऑन लैंड, एकदम शुद्ध लैंग्वेज लिखते हैं, दे कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वॉटर। क्या हुआ प्रियंका, ठीक है, लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं। तब याद है ना हम लोगों ने जब प्लांट किंगडम किया था तो एक कैटेगरी ऑफ प्लांट थी जिसको हमने क्या कहा था, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, कौन थे वो, यस मैम था तो कुछ नाम याद नहीं आ रहा। इतने खराब बच्चे हो यार तुम लोग, अभी पिछले बार के तुमको नाम नहीं याद आ रहा है मैम, बायरोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स। चलो जी ठीक है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम हमने उनको कहा था, क्यों, क्योंकि वो मैम रहते तो टेरेस्ट्रियल एरिया पे हैं, बट उनको वाटर चाहिए था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए, राइट, यही बात पढ़ी थी हमने। सेम कहानी यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है क्योंकि हमने यहीं से कॉपी किया है, ठीक है, कि ये हमारे जो एनिमल्स हैं सर्वाइव तो करते हैं लैंड पे, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही अंजलि, और उनको वाटर चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने, मतलब कितने लोगों का जो है गांव वाँव से थोड़ा सा लिंक है, बट जिन्होंने भी ना गांव में अगर कभी गए होगे, बिकॉज हम लोग तो गए हैं जब छोटे थे, तो गांव में जब आप जाते हो ना तो छोटी मोटी वो पॉन्ड्स नहीं होते हैं, जैसे छोटे मोटे क्या बोलते हैं, तालाब, तालाब ही बोलते हैं, हाँ पॉन्ड तालाब ही होता है, तालाब होता है, तो हम लोग ना जब वहां पर उसके आसपास में जाते थे तो देखते थे ना इतनी छोटी छोटी सी ना ऐसे बस इसी शेप की, इतने छोटे छोटे से ना बहुत घूमते थे, हम लोग को लगता नहीं, हम लोग को लगता था ना ये मछलियां हैं, बट जब अब पढ़ाते हैं ना, हाँ जी बिल्कुल सही, नहीं वंदना टैडपोल्स तो इनका बहुत ज्यादा बड़ा वाला फॉर्म है, बट ये सारे के सारे पता क्या है, फ्रॉग्स हैं। जब फ्रॉग्स अपने लार्वा फॉर्म से निकलते हैं ना उस टाइम पे ये इस शेप में होते हैं, हाँ जी बच्चा ठीक है, इतनी छोटे छोटे, पहले हम लोग सोचते थे यार इस पॉन्ड में कितनी सारी मछलियां हैं, बट ये मछलियां नहीं होती हैं, ये फ्रॉग्स लार्वल स्टेज थे जो कि ग्रो करते हैं ऐसे फिश लाइक स्ट्रक्चर में, और फिर वो अपने टैडपोल वाले पार्ट में आते हैं जिसमें लगभग उनकी बॉडी डेवलप हो चुकी होती है, बट उनकी एक पूंछ भी होती है,
चलिए जी, तो यहाँ पे क्या कहानी है कि ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, मतलब लैंड वाले, एम्फीबियस, एम्फीबियस मतलब वही जो फ्रेश वाटर फॉर्म में रहते हैं, यहाँ पे मराइन का कोई कहानी नहीं है, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इन टू हेड, ट्रंक एंड टेल, दिस इज द हेड, दिस इज द ट्रंक, और टेल इसकी अभी गायब है, ठीक है, और इस पार्ट को हम कहते हैं टेल, ठीक है मैम। दूसरा क्या है, ये भी कोल्ड ब्लडेड है, कोल्ड ब्लडेड मतलब क्या, पॉइकिलोथर्म्स, जिनको अपना क्या है बॉडी टेम्परेचर कैसे रखते हैं, एनवायरमेंट के टेम्परेचर के बरसात। अब ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है इनके पास, और ये आपको याद भी होना चाहिए, दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट दो वर्ड्स हैं। इनफैक्ट पता है कभी कभी कुछ कुछ आपके जो, मतलब सब नहीं, कुछ कुछ आपके जो सीनियर्स है ना, वो भी इसको भूल जाते हैं। एक वर्ड है एस्टिवेशन, शायद मैंने आपको क्लास में स्टार्टिंग में दिया था याद करने के लिए, एक वर्ड होता है एस्टिवेशन, दूसरा वर्ड होता है हाइबरनेशन, बट दोनों का ना काम सेम है, ठीक है, दोनों का काम सेम है। क्या काम सेम है, कि वो अपना जो अनफेवरेबल कंडीशन है, अनफेवरेबल कंडीशन मतलब कैसे, जैसे तुम्हारे लिए अनफेवरेबल कंडीशन क्या क्या है, दिल्ली वालों हो, दिल्ली में क्या मेट्रोपॉलिटन, यस मैम, अभी भी हो रही है। अभी भी हो रही है यार, ऐसा मत सोचो, हमारे तो गर्मी हो रही है आज, ठीक है। दिल्ली में क्या होता है, ठंड बहुत पड़ती है, बट तुमको क्या करना है, तुम तो स्टूडेंट हो, एनिमल तो हो नहीं, अपने आप को बचा के रखना है, बहुत सारा स्वेटर, जैकेट, मफलर, और वो आग वाग तापते रहो, हाँ जी, पॉल्यूशन ऑल्सो, बिल्कुल सही कहा आपने बच्चा जी, ये तो आपने दुख अपना जाहिर कर दिया। तो लोग उस टाइम पे ना, जो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना बच्चे, वो क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर कंडीशन को अवॉइड करने, क्योंकि ये कैसे हैं, पॉइकिलोथर्म्स, ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते। प्रियंका म्यूट योर सेल्फ, प्रियंका, पता नहीं था कॉल अंदर आने के वो, बट प्रियंका म्यूट योर सेल्फ प्लीज, प्लीज ये थोड़ा सा ध्यान रख लिया करो, ऑनलाइन क्लास है ना, ठीक है, प्लीज म्यूट योर सेल्फ ऑलवेज। एस्टिवेशन का मतलब होता है कि हमने एक वर्ड यूज किया, कि एस्टिवेशन को हम समर स्लीप भी कहते हैं, क्या कहते हो बच्चे, समर स्लीप, ठीक है। समर स्लीप मतलब क्या, जब बहुत ज्यादा गर्मी, टेम्परेचर हाई हो जाता है ना, कोई बात नहीं बच्चे, बट थोड़ा सा ध्यान रख लिया करो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऑफेंड भी हो जाते हैं, पता है, वो लिखने लगते हैं, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, ठीक है, आपके सीनियर से मैं तो थोड़ा मुक्ति हुई हूँ ना। तो क्या होता है, उनका टेम्परेचर, बाहर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, तो ऑर्गेनिजम्स अपने आप को बचाने के लिए क्या करते हैं, अपने आप को सुला लेते हैं, ठीक है, वो सो जाते हैं, उनकी बॉडी कहाँ चली जाती है, नॉन वर्किंग स्टेज पे चली जाती है। और सेम कंडीशन होती है किसमें, विंटर स्लीप, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो हो जाता है, बहुत ज्यादा लो, क्योंकि हम कौन से, मतलब हम नहीं, जो ये एनिमल्स हैं वो कौन सी कैटेगरी के हैं, कोल्ड ब्लडेड हैं, दे आर नॉट एबल टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। देखो इनका एक और साइड में कहानी लिख लो, दोनों के लिए ये है कॉमन, ये ठीक है, दीज ऑर्गेनिजम्स आर नॉट एबल टू मेंटेन देयर, साथ साथ में आप भी बोलते जाओगे तो आपको भी याद हो जाएगा, मेरे साथ नहीं, अपना म्यूट करके, ठीक है, मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर, सो टू अवॉइड अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन मतलब टेम्परेचर हाई होना या टेम्परेचर लो होना, दोनों ही अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है, सो टू अवॉइड अनफेवरेबल कंडीशन दे ऑप्ट दीज प्रोसेस, प्रोसेस नहीं मैकेनिज्म, ठीक है, दीज मैकेनिज्म, याद रहेगा आपको ये, कि बच्चा समझ में आया है ना। और ये दोनों के लिए, ये जो डेफिनेशन है ना, दोनों के लिए ही है, अगर वो समर में सो जाते हैं तो एस्टिवेशन, याद कैसे, ऑप्ट मतलब कि क्या बोलते हैं उसे, ऑप्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे, अपनाना। अपना लेना, फॉलो कर लेना, ठीक है, हाँ ठीक है, ऑप्शन चूज कर लेना, ठीक है, तो वो ये मैकेनिज्म को चूज कर लेते हैं, ठीक है। चलो जी, अब ये डेफिनेशन आप दोनों के लिए लिख सकते हो, और हाइबरनेशन अगर आपको याद नहीं आता ना, हाइबरनेशन कैसे याद करो, हाइबर इज कैसे, वाइब्रेट, और वाइब्रेट आप कब करते हो, ठंड में, ठीक है। चलो मैम इधर करो इसे, आगे कहानी क्या होगी, ये पॉइंट हमें हो गया क्लियर। एलिमेंट्री कैनाल हैज क्लोइकल ओपनिंग, यू ऑल नो क्लोइकल अपर्चर क्या होता है, क्लोइकल ओपनिंग क्या होती है, ठीक है, नहीं पता तो जब हम ये एलिमेंट्री कैनाल वाला पार्ट करेंगे, विल गो एट दैट टाइम, ठीक है, कि क्लोइकल ओपनिंग प्रेजेंट होती है, जहां से वो एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं किडनी में क्या, मीजो नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग,
ये पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एनिमल्स कैसे हैं, यूरियोटेलिक। ठीक है, यूरियोटेलिक मतलब क्या होता है कि वो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जिनका जो ये एक्सक्रीटरी वेस्ट निकलता है उसमें यूरिया ज्यादा होगा। कितनों को ये बात समझ में आई एक बार में? ठीक है, आपको पता है ये तीन तरीके के एनिमल्स होते हैं वैसे, बाकी लोगों को नहीं समझ में आई? देखो मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ इसका पार्ट भी। एक यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक पूरे के पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म, पूरे मतलब हम भी। ठीक है, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक और अमोनियोटेलिक। ठीक है, पूरे ऑर्गेनिजम्स इन तीन कैटेगरी में ही डिवाइड होते हैं, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक एंड अमोनियोटेलिक। क्या कहानी होती है, यूरियोटेलिक हमारे वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका एक्सक्रीटरी वेस्ट, ठीक है, एक्सक्रीटरी वेस्ट समझते हो ना, एक्सक्रीटरी वेस्ट समझ में आता है, राइट? ठीक है, एक्सक्रीटरी वेस्ट जो होता है वो मोस्टली क्या होता है, यूरिया। वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिनका एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या है, यूरिक एसिड। एंड वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिनका एक्सक्रीटरी वेस्ट में मोस्टली मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन में क्या है, अमोनिया। ठीक है जी, तो इन तीन कैटेगरीज के बेसिस पे हम इनको करते हैं डिवाइड। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं कौन से, एम्फीबिया। एम्फीबिया मोस्टली कैसे हैं, यूरियोटेलिक है, मतलब क्या, इनका जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होगा उसमें यूरिया ज्यादा होता है। रेस्पिरेशन कैसे, स्किन से भी लेते हैं, क्यूटेनेशियस मतलब स्किन, पता है ना, फ्रॉग जो होता है स्किन से भी लेता है, ब्रैंकिया भी प्रेजेंट होते हैं उनमें, और ये पल्मोनरी गिल्स से भी लेता है, लंग्स, गिल्स एंड स्किन। और मतलब अगर आपको थोड़ा सा इजी वर्ड्स में लिखना है तो यू कैन राइट व्हाट, स्किन, लंग्स एंड देन हमारे क्या, गिल्स, ये तीनों से रिस्पायर कर सकता है अगर आपको ये वर्ड हटाने। थर्ड, अब इनका कैसा है, थ्री चैम्बर्ड विथ सीनस विनोसस। अब ये नया वर्ड है आपके लिए, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, अब ये कैसे, आर्टरी दो वेन्स होती है ना, एक आर्टरी दो वेन्स प्रेजेंट होती है, इसे हम कहते हैं सीनस वेनोसस। अब दूसरी कहानी इसकी क्या है बच्चा जी, डायोशियस। डायोशियस मतलब क्या, यूनिसेक्सुअल है, दूर से देख के पता चल जाएगा कौन से कौन है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन मोस्टली कैसा है इनका, एक्सटर्नल। और ये कैसे है, ओवीवेरस है, ओवीवेरस मतलब क्या, जो पहले एग देते हैं फिर एग होते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट एब्सेंट होती है इनमें, और इसका एग्जाम्पल क्या है, बहुत ही पुराना आपका राना टिग्रेना मतलब फ्रॉग, टोड्स भी फ्रॉग का ही एक फॉर्म होता है, ट्री फ्रॉग जिसे हम हाइला कहते हैं, फिर सैलेमेंडर, इक्थियोफिस, जितने भी आप याद कर सके। ठीक है, चलो जी, एम्फीबियंस भी हो गया हमारा खत्म। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट इज मैम रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स भी कैसे हैं, पॉइक्युलोथर्म्स हैं, कोल्ड ब्लडेड हैं, पहली बात। बट ये अब हमारा वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आ गया, वो क्लास ऑफ ऑर्गेनिजम्स आ गया जो कि ट्रू लैंड प्लांट्स है, जैसे हम प्लांट्स कह रहे हो, ट्रू लैंड प्लांट्स हमारे कौन से थे, किरण जी कहाँ गई आप, ट्रू लैंड प्लांट्स हमने किसको बोला था लास्ट चैप्टर में, ब्रायोफाइट्स को हमने कहा था एम्फीबियंस, उसके बाद कौन सी कैटेगरी आई थी, एंजियोस्पर्म। चलो एंजियोस्पर्म सबसे एडवांस है बच्चा, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म उसके बाद, उससे पहले कौन सी, मैम लिवर वॉर्ट्स या मॉसेस, फाइट में ही लिवर वॉर्ट्स और मॉसेस आते हैं, एक जो बचा तुमने उसको छोड़ के सब बता दिए, थैंक यू। कौन सा हमारी क्लास का, दैट वाज क्रिस्टी, राइट क्रिस्टी, आपने आंसर बोला, यस मैम, वेरी गुड बच्चा, टेरिडोफाइट। तुम लोगों ने सब पूरी कहानी सुना दी मुझे, बट जो आंसर चाहिए था वो दिया क्रिस्टी ने, तो आज की क्वीन कौन हुई हमारी, क्रिस्टी। तो ये क्या है हमारे, टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स, जैसे हमारे रेप्टाइल्स हुए, वो पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म, वो पर्टिकुलर क्लास ऑफ ऑर्गेनिज्म जो प्योरली लैंड है, उनको पानी से मतलब नहीं है ज्यादा, ठीक है, मतलब रह सकते हैं बट वो मोस्टली कैसे हैं हमारे, टेरेस्ट्रियल है। ठीक है, फिर क्या है हमारा दूसरी कहानी, तो हम प्लांट्स में किसको कह रहे थे, टेरिडोफाइट्स को कह रहे थे वो काम। चलो
ये पॉइकिलोथर्म्स है, ट्रू लैंड प्लांट्स है, एक्सोस्केलेटन इनके भी कैसे हैं, इनके भी स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखा है ना आपने, क्या बोलते हैं इसे हिंदी में, गिरगिट, जो रंग बदलते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपने स्केल्स वाला अगर आपको देखना है तो छिपकली भी देखी होगी, कभी छिपकली किसी ने भी हाथ में उठाई है, मतलब लड़कियां तो भागती हैं वैसे, कभी अगर मतलब किसी ने भी गलती से या उसको देखा होगा तो देखना उसकी बॉडी कैसी होती है ना, खुरदुड़ी होती है। मेरे पास मतलब गलती से मेरे ऊपर गिर गई थी इसलिए मुझे और पता है, बट उसकी बॉडी में कैसे स्केल्स होते हैं, और सेम ही हाल गिरगिट का भी होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन कैसा है, पल्मोनरी है। किडनी कैसी है, मेटानेफ्रिक है नेचर में, ठीक है। हाँ जी बच्चा ठीक, कोई बात नहीं। एलिमेंट्री कैनाल भी कैसे है, वही क्लोइका के थ्रू ओपन होता है, मतलब एक प्रॉपर क्लोइकल अपर्चर होता है जहां के थ्रू वो एक्सक्रीट आउट करते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसा है इनमें, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। अभी तक कैसा था, अब यहाँ पे कैसा हो गया, इंटरनल। अब ये कैसे आ गए हमारे ओवी पैरस। मैम जी मैंने ग्रेनो उठाया तो नहीं, बट मैंने देखा बहुत है और सब उसको बड़ा डरवाते भी हैं कि इससे डर के रहना चाहिए करके, ठीक है। ओवी पैरस हैं जिनके पास क्या होता है, क्लीडोइक होता है। अब क्लीडोइक क्या है मैम, एक शेल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है बॉडी के ऊपर कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म पे, सब पे नहीं, ठीक है। हाँ जी, कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म पे शेल लाइक जो ऑर्गेनिजम्स है, मतलब शेल जो है कैल्शियस सेल, किससे बनी होती है, कैल्शियम से यूजली, ठीक है, इसलिए हम ना इसको कैल्शियस सेल भी कहते हैं। कैल्शियस सेल प्रेजेंट होती है और उसके अंदर ही अपने क्या एग्स वेग्स भी देते हैं। अब क्या है इनके साथ कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स भी प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, एमनियन, कोरियन और एलेंडियोस। अभी के लिए थोड़ा सा थम जाओ कि आप मैम मैम ये क्या है क्या है क्या है, पढ़ेंगे बट थोड़ा सा सब्र करके, ठीक है। ये जो है इसमें एम्ब्रियोनिक लेयर्स जो है हमारी इसमें प्रेजेंट होती है, फिर लार्वा एब्सेंट होता है। जैसे अभी हम लोग जो इससे पहले वाली क्लास पढ़ रहे थे एम्फीबिया वाली, मैंने आपको बताया था कि फ्रॉग्स पहले एग्स ले करते हैं, फिर वो लार्वा में कन्वर्ट होता है, लार्वा टैडपोल में बनता है और टैडपोल हमारा एडल्ट फ्रॉग में बनता है। यही कहानी थी हमारी, लार्वा, ठीक है, फिर ये ऐसे इस वाले फॉर्म में, ठीक है, लार्वा, देन ये सॉरी एग्स है ये पहले, ठीक है, दिस दीज आर योर एग्स, फिर ये इनकी लार्वल फॉर्म होती है, ठीक है, लार्वल फॉर्म है और फिर ये हमारा कौन सा टैडपोल फॉर्म में आते हैं और उसके बाद ये एडल्ट बन रहे थे। ये एक चार सीरीज की हमारी वो चल रही थी, ठीक है। बट अब हमारे इनके साथ कहानी क्या है, इनके साथ हमारे कौन सी चीज स्किप हो गई मैम, हमारा जो लार्वल फॉर्म था वो स्किप हो गया, ठीक है जी। अब इसके एग्जाम्पल है ये, आप एक बार खुद से देख लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल इसके आपको मोस्टली समझ में आ रहेंगे, क्रोकोडाइल, स्नेक्स, टॉर्टोइस और ये जितने भी हैं सब हमारे एलिगेटर एंड ऑल, ये सब हमारे इसी कैटेगरी में आ रहे हैं। अब आगे हम किस पे, बर्ड्स पे, एप्स, जिनको हम क्या कहते हैं जनरली हिंदी लैंग्वेज में, हिंदी नहीं मतलब सिंपल लैंग्वेज में वी यूज टू से बर्ड्स। अब ये कैसी हैं, ये हो गई मैम होमियोथर्मिक, एक चेंज। होमियोथर्मिक मतलब समझ में आए, जैसे हम हैं, हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, हाँ जी, हम उसे मेंटेन करते हैं, ठीक है, रेगुलेट नहीं करते हैं, उसे मेंटेन करते हैं। तो ये बर्ड्स भी हमारी वैसी ही है, एंडोथर्मिक या फिर मतलब तीनों एक ही वर्ड है, ठीक है। अगर चाहे आप होमियोथर्मिक बोलो, चाहे एंडोथर्मिक बोलो, चाहे वार्म ब्लडेड बोलो, बोथ सॉरी ऑल थ्री ऑफ दीज मींस द सेम। फिर क्या है, बॉडी टेम्परेचर इज हाईएस्ट अमंग द वर्टिब्रेट्स। इनका बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो हाईएस्ट रहता है, मतलब कि हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस हमेशा, इनका 40-45 के बीच में घूमता रहता है। एक्सोस्केलेटन है ये, एक्टोडर्मल लेयर्स उसमें प्रेजेंट होती है, लेयर से बनी होती है। फिर क्या है, प्रेजेंस ऑफ बीक पता है हमें, फेदर्स एंड क्लॉज ये इनमें प्रेजेंट होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि इनमें फेदर्स हैं, और ये जो फेदर्स हैं ये क्या हैं, ये कि इनके फोर लिम्स हैं। फोर लिम्स मतलब कौन से लिम्स हुए मैम, हैंड्स, हाँ, इनके जो हाथ हैं वो क्या हो गए हैं, मॉडिफाइड हो गए हैं पंख में, बिल्कुल क्लियर ये बात। और पैर तो आपने इनके देखे हैं कि चलते हैं ये, ठीक है, तो हम बिल्कुल क्लियर है मैम कि जो इनके फोर लिम्स हैं वो मॉडिफाइड हैं विंग्स में। सो ये कैसे हैं, बाईपेडल हैं, बाईपेडल मतलब दो पैरों पे चलते हैं, ठीक है मैम, वी आर नॉट क्लियर। फिर है कि बॉडी इज स्ट्रीमलाइन, बॉडी कैसी है, पूरी की पूरी स्ट्रीमलाइन है, ठीक है, जो ये पंख है ये सब, इसको हम स्ट्रीमलाइन कहते हैं। प्रेजेंस ऑफ क्रॉप एंड गिजार्ड टू एड
डाइजेशन. आपको पता होगा कि मतलब सब ऐसा कहते भी हैं कि चिड़िया जो होती है वो अपना जो स्टमक का साइज है उससे 3 गुना ज्यादा खाती है. सुना है आपने? आई डोंट नो आपने सुना है या नहीं सुना है, बट ये जो है ये फैक्ट नहीं है, ये रियलिटी है. ठीक है, तो इनमें कौन सी चीजें ऐड होगी? क्रॉप एंड गिजार्ड, जो कि हम में प्रेजेंट होता है, ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है. ठीक है, इसकी वजह से ये क्या, ये सारी चीजों को खा लेती है और पचा लेती है. फिर रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है? पल्मोनरी से, मतलब क्या, लंग्स से हो रहा है. ठीक है, लंग्स कैसे हैं इनके? इन इलास्टिक है. इन इलास्टिक, इलास्टिक मतलब जैसे हमारे हैं, बट इनके लंग्स इन इलास्टिक हैं. और ये कैसे हैं? एंड आर सप्लीमेंटेड विद एयर सैक्स. इनके पास क्या है? एयर सैक्स हैं इनकी लंग्स में बहुत सारे. एयर सैक्स का क्या काम है मैम इनके? एयर सैक्स का काम ये है मैम, क्योंकि ये कौन सी कैटेगरी है? ये है मैम एवीज, मतलब कि उड़ने वाली, राइट. और उड़ने के लिए अगर बॉडी आपकी भारी होगी तो आप क्या उड़ पाओगे? नहीं, no, ma'am. फ्लाई नहीं कर सकते, इसीलिए इनके पास एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं. फिर है साउंड बॉक्स भी जो होता है इनका, उसको हम क्या कहते हैं? साइरिंग्स कहते हैं. इसीलिए हर एक जो बर्ड होती है उनका जो साउंड है वो अलग अलग होता है. ठीक है, वही उनको साउंड प्रोवाइड करता है, जैसे हम साइरिंग्स कहते हैं. और वो ट्रैकिया के जस्ट नीचे प्रेजेंट भी होता है. किडनी कहता है मेटानेफ्रॉन्स है, यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट है. और ये कैसे है नेचर में? यूरिकोटेलिक. उससे पहले वाले कैसे थे? यूरियोटेलिक. ये कैसे है? यूरिकोटेलिक है. हर्ट आ गया 4 chambered हमारे बराबर. और कुछ आप चिड़ियों के नाम ले याद कर लेना, वो लिख देना. और अगर हो सके तो जितने आपके एनसीईआरटी में बच्चा एटलीस्ट साइंटिफिक नेम दिए हैं, ट्राई टू लर्न दोज. अब हम आ गए एकदम लास्ट स्लाइड पे, दैट इज योर मैमल्स. ठीक है, मैमल्स का क्या कहानी है बहुत अच्छे से जानते हो आप सारे के सारे. हाँ जी, चैप्टर खत्म. बल्ले बल्ले करो, है ना. कि वाह मैम, सर दर्द गया हमारा आज. क्योंकि और मतलब तुम्हारा रुका तो मुझे नहीं पता, बट मेरा तो गया. क्योंकि आई जस्ट हेट दिस चैप्टर. अभी एक और जो चैप्टर आएगा वो पता है कौन सा? जब हम आएंगे 8th chapter पे, अगेन द सेम. बट उसका भी वही है, इसी की तरह हाल है कि फर्स्ट हाफ जो है बहुत अच्छा है. जब हम लोग टिश्यूज एंड इन सब लेयर्स वेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, सेल्स वगैरह के बारे में, तब अच्छा है. बट सड़ेगा कब वो? जब अर्थवर्म पढ़ोगे, कॉकरोच पढ़ोगे और फ्रॉग पढ़ोगे. एक बार मुझे कोई सिलेबस भेज देना. बहुत ही गंदा है मैम. कॉकरोच और अर्थवर्म हट गया है. हाँ, मेरे को बड़े सुकून मिलता है ये सुन के, इसलिए मैं बार बार पूछ लेती हूँ. मैम आपको एनिमल्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है ना? बिल्कुल इतना नहीं, इतना सब नहीं, ऐसे सब कहते ना, इतना सब ह्यूमन फिजियोलॉजी अच्छी लगती है, एनिमल्स का नहीं अच्छा लगता मुझे, पता नहीं, आई डोंट नो. ह्यूमन फिजियोलॉजी मुझे बहुत अच्छी लगती है. जब तुम पढ़ोगे ना, तुमको सीरियसली लगेगा भी पता कि हाँ मैम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं उसे. मैं जितनी भी चीजें आपको पढ़ाऊंगी, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही कि मैं सबसे अच्छा पढ़ा रही हूँ, बट ये है कि जितना पढ़ाऊंगी मैं आपको बहुत बेस्ट तरीके से पढ़ाऊंगी. बिकॉज मेरी एक आदत होती है, जैसे इस वाले में आप सोचो कि मैं क्या फ्लो चार्ट बनाऊंगी. मेरी हैबिट है कि मैं हर एक चीज को फ्लो चार्ट के फॉर्म से एक्सप्लेन करती हूँ. जब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो यू विल नोटिस दैट कि मैम ना स्लाइड्स भी देख रही है. वो हमें कैसे पढ़ाएंगी? प्लेन पेज पे. एंड ट्रस्ट मी, तुमको समझ में भी आएगा. ठीक है, चलो 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 इसको खत्म करते हैं, फिर हम देखेंगे थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स, उसके बाद खत्म करते हैं. हाँ, मैमल्स में हम ही आते हैं बच्चा जी. ठीक है, चलो जी, आगे मैमल्स की कैटेगरी में क्या है? ये होमियोथर्मिक है. पता है आपको होम्योथर्मिक का मतलब क्या? जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं. फिर है एक्सोस्केलेटन है, इनमें हेयर्स होते हैं, हॉर्न्स होते हैं, हूफ्स होते हैं, क्लॉज होते हैं. अब ये नहीं है कि सब एक ही में है, अलग अलग है उनके एनिमल्स है, सब में होते हैं. ठीक है, फिर है प्रेजेंस ऑफ मस्क्यूलर डायफ्रेगम. डायफ्रेगम समझते हो? डायफ्रेम. अगर आपने एनसीईआरटी का डायग्राम अपने 10th class में देखा होगा, स्ट्रक्चर होता है डायफ्रेम, जिसके ऊपर हमारा ये हर्ट, तुम लोग वाला हर्ट बना लेते हो जो तुम लोग हर्ट बनाते हो. ठीक है, उसके ऊपर हमारा हर्ट ऐसे रखा रहता है. ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो हर्ट को प्रोटेक्ट करता है वो कौन प्रोटेक्ट करता है? क्या बोलते हैं? थॉरेक्स. और ये मतलब जो एब्डोमेन वगैरह होती है वो सब क्या बोलते हैं इसे? रिब केज. रिब केज, बिल्कुल सही बच्चा जी. ठीक है, यहाँ पे हमारा रिब केज होता है, करेक्ट. गर्दन के पास वाले में जगह पे हमारा स्टर्नम होता है, ऊपर से जो प्रेजेंट करता है, ऊपर से जो प्रोटेक्ट करता है, ये स्टर्नम है. ठीक है, स्टर्नम. और पीछे से हमारा वर्टिब्रल कॉलम भी जो है प्रोटेक्ट कर रहा होता है हमारे हर्ट को. ठीक है, तो ये हो रहता है डायफ्रेम, जो कि कैसा है? मस्क्यूलर है. मस्क्यूलर क्यों है मैम? क्योंकि जब हम रेस्पिरेशन करेंगे ना, बहुत अच्छे से देखना वो चैप्टर को पढ़ के ना, तुम्हें मजा आ जाएगा. मुझे पढ़ा के भी मजा आता है उसे. जब आप रेस्पिरेशन करोगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ आप उसको सीरियसली अपनी बॉडी से रिलेट कर रहे हो. कैसे? कि अभी तक तो तुम लोग क्या है, जैसे नॉर्मल सांस ले रहे हो, पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रही हूँ, सुन भी रहे हो,
काम भी कर रहे हो अपना, सांस भी ले रहे हो, बट जब उस टाइम पे पढ़ोगे ना तो तुम खुद से नोटिस करोगे कि जब तुम क्या करते हो, सांस को अंदर लेते हो तो डायफ्रेम हमारा नीचे जा रहा है, हमारा जो ये थोरेक्स पूरा चैम्बर है, इस पूरे को हम थोरेक्स चैम्बर कहते हैं, ठीक है बच्चा। थोरेक्स चैम्बर जो है वो फैल रहा है, स्टर्नम जो है ऊपर जा रहा है, कब, जब हम लोग सांस ले रहे हैं, ठीक है, और उल्टा हो रहा है जब हम सांस छोड़ते हैं। अभी तक आपने नोटिस नहीं किया होगा, बट जब अभी आप जब पढ़ोगे ना उसको, तो आप नोटिस करोगे कि जब आप सांस छोड़ रहे हो तो डायफ्रेम हमारा क्या हो गया, वापस अपने शेप पे आ गया, रिब्स और ये सब स्टर्नम क्या हो गए, पास में आ गए, और स्टर्नम ऊपर जो गया था वो नीचे हो गया। बट यही है कि 1 मिनट में हम 12 से 14 बार करते हैं, अगर आपको पता हो तो, ठीक है। तो इतने बार हम लोग कभी नोटिस नहीं करते, हम तो सोचते नेचुरल है, चलता रहता है। हाँ, जब उसको पढ़ोगे ना तब आप चीजों को बहुत अच्छे से रिलेट करोगे। चलो, ये हो गया क्लियर। फिर होते हैं रिब्स प्रेजेंट होते हैं, हाँ जी मैम, रिब्स प्रेजेंट होते हैं, और आपको पता है पेयर्स में ही होते हैं यूजुअली रिब्स हमारे, हेडेड विथ विदाउट यूनिकेट प्रोसेस। ये यूनिकेट प्रोसेस क्या है, विल सी टू दैट, बट अभी नहीं, ठीक है। चलो जी, अभी देखते हैं, ठीक है। ईयर ऑसिकल्स भी हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, कितने, 3, मैलियस, इंसस और स्टेप्स, ये भी शायद आपके इसमें कटा ही हुआ है। स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट है, मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट है, एंड सेबेसियस ग्लैंड भी प्रेजेंट है। उसके अलावा किडनी है जो मेटामॉर्फिक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा कैसा है, यूरियोटेलिक है, हर्ट कैसा है, 4 चैम्बर्ड हर्ट है, मोस्टली हम बेबी वेरस होते हैं, आपको पता है वी गिव बर्थ। डेवलपमेंट कैसा है, डायरेक्ट, प्लेसेंटा इज जनरली प्रेजेंट। देन ये रहे इनके सारे एग्जाम्पल, ठीक है जी। मैम, ऑक्टोपस के साइंटिफिक नेम कैसे प्रोनाउंस करते हैं? किसका क्या होता है, जो प्लेटिपस का साइंटिफिक नेम है उसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? इल्मा, आप किसी से भी पूछ लो, आपकी आवाज ना बच्चे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। यू जस्ट ट्राई, डू वन थिंग, यू जस्ट टाइप इट, ठीक है, फिर मैं उसको पढ़ लेती हूँ एक बार, तब तक आप मैम लोग। हाँ मैम ये कहना चाह रही हैं कि प्लेटिपस की जो जो साइंटिफिक नेम है उसे प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे? ये अच्छा, साइंटिफिक नेम्स का देखो, साइंटिफिक नेम्स आपको कैसे याद करने होते हैं ना, आप हमेशा साइंटिफिक नेम्स को जिस पर्टिकुलर पॉइंट से, एक बार जैसे मैंने बोला उसको सुन लो, और फिर आप ये देखो कि मैम कहाँ से ब्रेक करती है, ठीक है। जैसे इस वाले को पढ़ना तो आसान होगा आपके लिए, क्या है, मैक्रो, बस, राइट। इनको भी वैसे ही याद करा करो, ऑर्निथो रिनकस, हो गया एक बार में, है ना, ऑर्निथो रिनकस। और यहाँ पे ना जो पी होता है वो साइलेंट होता है, तो इसको क्या पढ़ोगे, टीरोपस। फ्लाइंग फॉक्स को हम क्या कहते हैं, टीरोपस। फ्लाइंग फॉक्स इज योर, क्या बोलते हैं, चमगादड़, हिंदी में जैसे हम कहते हैं, यस मैम, हाँ, ये हो गया मकड़ा। मकाका, मंकी, ठीक है। फिर ये है क्या, कैनिस, डेल्फाइनस, देन पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है। चलो जी, अब थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर देखते हैं जो हम ये वाले नहीं देखेंगे, वेट, एनिमल, अरे यार चलो छोड़ो, यही वाले देखिए फिलहाल तो, आप क्वेश्चन आंसर्स। तक आप इसको देखो, मैं एक काम करती हूँ, मैं डाउनलोड करके लाती हूँ, ठीक है, इस वाले को देखो। अरे यार, इसमें होगा, देखो जी बच्चा जी, इसको आप लोग क्या हो गया, इतना हार्ड क्वेश्चन आ गया बेटा, वो अगर हार्ड है तो ये क्या है, ऑप्शन तो इनका क्या। देखो जी, ये तुम्हारे लिए मतलब अब अभी नहीं पढ़ाए जाएंगे आपको, जब हम लोग लास्ट में रिवीजन करेंगे ना तो इसके थ्रू रिवीजन करेंगे, ठीक है। ये क्या है, कैसे हैं, बट ये आपको पता होना चाहिए, थोड़े से प्रिसाइज होते हैं, तो अगर आपको चाहिए ना तो आप इस वाले का अगर चाहो वो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपकी एनसीईआरटी में है क्या, ये यस मैम, एनसीईआरटी में है, राइट, यस मैम, मैम फिर तो छोड़ो, क्या स्क्रीनशॉट लोगे। चलो फिर आ जाओ इन पे, आ जाओ, 10 मिनट तक हम लोग क्वेश्चन क्वेश्चन खेलते हैं, उसके बाद करते हैं, ठीक है। चलो, पहले इन सारे के आप
क्वेश्चंस के आंसर देखिए फटाफट से। अब ये वाले मत बोलिएगा कि आपसे नहीं हो रहे हैं, ये वाले तो होने चाहिए बच्चा, बिकॉज दे आर इजी। मैं आगे अभी बीच में करें मैम, ऑप्शन डी मैम, ये कर लीजिए मैम डी। यस मैम, ये कब किया आपने? यस मैम, ये कर लो मैम, कल किए थे मैम, परसों 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 यस मैम, परसों परसों परसों। अच्छा मैंने कराए थे आपको, राइट 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 राइट, डोंट वरी। यस अच्छा, ऑसिलोमीटर तक कर लिया था राइट, याद आया मुझे। चलो फिर तो यहां से करो एप्लीकेशन वाला पार्ट, आई डोंट लाइक दैट पार्ट। चलो कोई नहीं, आइए जी। पॉलीफेरा टू एस्केलमेंथीज हैं, तो ध्यान से देखते जाएं, करते जाएं फटाफट से, जहां हमारी मदद की जरूरत होगी आपको बताते जाएंगे, ठीक है। मैम डी आंसर है इसका, क्वेश्चन नंबर 27 का डी। बाकी और कोई कौन बोला वैसे, नाम भी बच्चे अपने थोड़ा बताते जाया करो, क्योंकि ना मुझे थोड़े बहुत गलत हो सकता है, पता नहीं क्या चीज बच्चे। ए होगा इल्मा, प्लीज ऐसा है क्या, मतलब कुछ भी इस पार्ट, कुछ भी इस पार्ट में समझ में नहीं आया है इल्मा? मैम हाँ जी, यस मैम। बजे फिर तो आपको क्या करना होगा ना, आप जो क्लास ज्वाइन करना वो फिर आप कल वाली क्लास ज्वाइन करना, बट इल्मा अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो ना, तो इसकी ना वीडियोस जो है वो ऑलरेडी पड़ी हुई है, ठीक है। तो आप कोशिश करना कि इसको आप वीडियोस को देख के ज्वाइन करो क्लास को, ठीक है। अगर आप वीडियोस को देख के ज्वाइन करोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। चार ही क्लास में हमने एनिमल किंगडम खत्म कर दिया है, तो ट्राई करना एक बार पढ़ने का पूरा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2017 का आपका क्वेश्चन है, तो देखिए फटाफट। कोई नहीं, आज की क्लास में सीखते हुए चलना है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 28 देखिए जी। इन केस ऑफ पॉलीफेरा द स्पॉन्जियल सील इज 9 सेल्स, क्या कहते हैं उसे हम? मैम सी 28 का एस, हाँ जी। वॉटर वॉटर ऑस्क्यूलम, हाँ जी ऑस्क्यूलम बच्चे। चलो स्पॉन्जेस आर, स्पॉन्जेस में क्या क्या होते हैं देखो जी, क्वेश्चन नंबर 34 बिल्कुल सही। वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है एंड सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 35, आराम से सोच समझ के पढ़ना, सो बिकॉज पहले का आया हुआ क्वेश्चन है तो अच्छा क्वेश्चन है। बॉडी हैविंग मेश वर्क ऑफ सेल्स, इंटरनल कैविटीज लाइंड विद फूड फिल्टरिंग फ्लैजेलेटेड सेल्स एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम, कौन से फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये? क्वेश्चन नंबर 35 मैम पॉलीफेरा, पॉलीफेरा बिल्कुल सही बच्चा, सबसे बिगनिंग वाले हैं पॉलीफेरा। चलो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीफेरा, अच्छा क्वेश्चन प्लस इजी क्वेश्चन, क्यों स्पाइरुलिना क्या है? बी, हां वो बात आपका ठीक है, बी ठीक है, बट है क्या स्पाइरुलिना? फूड सप्लीमेंट है, एल्गी है, बिल्कुल सही। चलो जिसको हम वो बन यूज करते हैं, चलिए चलिए चलिए। क्वेश्चन नंबर 37, पहले 37 38 39 44 कर लेते हैं, उसके बाद इधर हम लोग इधर कर लेते हैं और उसके बाद सेशन खत्म फटाफट से, बट थोड़ा सा स्पीड अपनी बढ़ा लो। चलो पहले इजी वाले करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए पहले। क्वेश्चन नंबर 30, द बॉडी वॉल ऑफ कॉमन स्पॉन्जेस कंसिस्ट ऑफ, सारे ही होते हैं उसमें, पिनाकोडर्म भी होता है, कैनोडर्म भी होता है एंड मेसोडर्मल लेयर भी होता है, तो ऑल ऑफ दीस। इन द मोस्ट सिंपल टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम ऑफ पॉलीफेरा वाटर फ्लोस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग वेज, वाटर इनमें से कौन से वे से निकलता है? चलिए जी बताइए, सबसे पहले कहां? सबसे पहले ऑस्क्यूलम, बिल्कुल सही, सबसे पहले
नहीं नहीं बच्चों, सबसे पहले ऑस्टियम, ऑस्कुलम नहीं है, सबसे पहले ऑस्टियम, फिर स्पॉन्जोसील, फिर ऑस्कुलम एंड देन बाहर। ठीक है, तो ऑस्टिया, स्पॉन्जोसील, ऑस्कुलम, अभी तो जस्ट किया था, कहीं तो क्वेश्चन ये वाला। चलो, अच्छा द स्केलेटन ऑफ एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम पॉलीफेरा आर मेड अप ऑफ। ए चलो क्वेश्चन नंबर 32, स्पिक्यूल्स। असेक्सुअल ए रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्जेस, थोड़ा सा इसको ऊपर करना पड़ेगा ना, फोन में दिख नहीं रहा आपका। स्पॉन्जेस टेक्स प्लेस बाय, अभी जस्ट ये भी किया है, क्वेश्चन नंबर 33। बी सी मल्टीपल फ्यूजन नहीं बच्चे, फ्रेगमेंटेशन। हाँ जी ही बोला था। अच्छा, किसी ने मुझे किसी का ए सुनाई पड़ा था। चलो बस ये चार क्वेश्चन देख लो आप, एंड वी विल बी लीविंग द क्लास। खत्म। Which of the following is not true regarding the phylum Coelenterata? They are diploblastic animals. क्या ये बात सही है? Question number 37. मैम बी। हाँ जी मैम, ये बात सही है। Cellular organization सिर्फ और सिर्फ पॉरीफेरा का फीचर है। ठीक है, ये बात समझ लो, तो बाकी अपने आप ही मैम सही हो जाते हैं, है ना। चलो, निडेरियंस आर डिवाइडेड इन टू। निडेरियंस किस में डिवाइड हो जाते हैं? ठीक है, थोड़ा सा हाई लेवल जा रहा है आज, बट इतना तो पचा सकते हैं, और कल की क्लास तो हम हाई लेवल वाले ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 38। निडेरियंस आर डिवाइडेड इन टू द फॉलोइंग क्लासेस। कौन कौन सी क्लासेस में निडेरिया क्लासिफाई होते हैं? स्काइजोफोजम, सॉरी स्काइफोजम, स्काइफोजोआ एस्कैरिस। तुम लोगों ने नाम नहीं सुना है कभी? एस्कैरिस और हाइड्रा आपने नाम नहीं सुने? हम सुने हैं मैम। बी होगा, लिक्लोसोलेनिया। इसके बेसिस पे निकाल लेते हैं आंसर। हाइड्रा तो मूवमेंट करता है। हाँ, हाइड्रा तो मूवमेंट करता है। ठीक है, बॉडी फॉर्म्स, चलो जी बस ये तीन क्वेश्चन करो खत्म। बॉडी फॉर्म्स प्रेजेंट इन दीज निडेरियंस आर, कैसे होते हैं? पॉलिप्स एंड मेड्यूसा, ये तो हमने पढ़ा है ना। पॉलिप्स एंड मेड्यूसा कैसे होते हैं? जो ऊपर वाला फॉर्म में है तो दैट इज पॉलिप्स, और इसका उल्टा वाला फॉर्म है वो मेड्यूसा। करेक्ट, पढ़ा है? नहीं? यस मैम, यस मैम। हाँ ठीक है, निडेरिया में पढ़ा है बच्चा, ऐसे मत करो सरप्राइज हो कि नहीं पढ़ा है हमने। अगला, ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, क्या कहते हैं उसे? मैम डी, मेटाजेनेसिस। चलिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्जेस टेक्स प्लेस, तो फिर से वही आ गया क्वेश्चन, क्या तुमने कर लिया, सॉरी फ्रेगमेंटेशन। चलिए चलो दी, बट कल की क्लास में हम थोड़ा बहुत जो इस चैप्टर में अब जो रह गया है वो करेंगे, प्लस क्या अपने क्वेश्चंस जो है, सॉरी अपने जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आप लोग का मन होगा नेक्स्ट चैप्टर ही स्टार्ट करा दो, तो नेक्स्ट चैप्टर तो मेरा वैसे भी फेवरेट है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, उसको तो मैं कर। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट। मैं नोट्स आपको, बाय मैम, टेक केयर मैम।